कोविड-19 के दौरान जहां देश में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था, वहीं धीरे धीरे फिर से सब कुछ रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। कक्षा 9 से लेकर सभी उच्च स्तरीय विद्यालय खुल गए, पर आज भी प्राइमरी व जूनियर स्तर के विद्यालयों में ताला लगा हुआ है, जिसको लेकर आज रायबरेली में व्यक्तिगत शिक्षण संस्थान संचालक एसोसिएशन के बैनर तले जनपद भर के सभी विद्यालय संचालकों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन सौंपा और मांग की कि जल्द ही इन विद्यालयों को भी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत खोले जाने का आदेश दिया जाए, जिससे हम सब की ना सिर्फ जीविका चल सके बल्कि छात्रों को बेहतर शिक्षा भी मिल सके। आइए जानते हैं क्या कहा अध्यक्ष व्यक्तिगत शिक्षण संस्थान एसोसिएशन रायबरेली धर्मेंद्र सिंह चौहान ने। नाम और परिचय बता दीजिए। जी, मैं धर्मेंद्र सिंह चौहान हूँ, व्यक्तिगत शिक्षण संस्थान संचालक एसोसिएशन का अध्यक्ष। किस लिए ज्ञापन देने आए हैं आप लोग? जी, ज्ञापन देने का मेरा प्रमुख उद्देश्य यह है कि जब कोविड-19 के चलते सारे देश में लॉकडाउन शुरू हुआ था और उसके बाद सारे संस्थान शिक्षण संस्थान सब बंद कराए गए, उसके बाद आज सारी चीज़ें खुल गई हैं, सारे संस्थान चल गए, फैक्ट्री कारखाने सभी चल गए हैं, तो प्राइमरी और जूनियर स्तर के आज तक विद्यालय बंद क्यों हैं? अगर बंद हैं तो सरकार से मैं मांग करता हूं कि इन्हें अतिशीघ्र खोला जाए, क्योंकि ये लगातार बंद होने की वजह से इससे जुड़े हुए सारे कर्मचारी, अध्यापक, प्रबंधक, ये सारे लोग आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं, टूट गए हैं, और इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए।